हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून राम राम जय हिंद नमस्ते सत सभी को भाई कैसे हैं आप सभी एक बार बताना भाई वॉइस वीडियो कैसे है अपने ठीक ठाक है ना हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून राम राम जय हिंद वीडियो को लाइक तो कर दिया करो भक्तो आते ही लाइक कर दिया करो है देखो एक बार वॉइस वीडियो कैसे है उसके बाद जो है अपनी क्लास अपनी जो महाभारत है वो शुरू कर देते हैं है ना अपनी महाभारत शुरू कर देते हैं आज जो है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ जरा क्या पढ़ने वाले हैं आज राधे राधे भाई सभी को राधे राधे कैसे हैं सभी ठीक ठाक है ना इज एवरीथिंग ओके यस सर ओके तो देखो मेरे भाई आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या मामला है हेलो सर हेलो भाई समीक्षा हेलो समीक्षा है अमन है अमन कुमार है किरण बाला है रानी है श्यामलाल है और टीम है ठीक है ना तो चलिए भाई आ जाओ सबसे पहले अभी हम यहीं पर अटके हैं अभी ये चीजें जो हैं बाकी हैं हमारी ठीक है ना अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं बेसिक के दो दिन बचे हैं दो दिन के बाद जो है हम पाइथन शुरू करने वाले हैं बेसिक कंप्लीट होने वाला है और पाइथन शुरू होने वाली है ठीक है ना पाइथन के बाद एस टी एम एल डेटा बेस एस क्यू एल सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पढ़ने वाले हैं ठीक है ना बड़े इतमान से बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं हम एवरी थिंग इज़ ओके जी थैंक यू सो मच वेरी गुड इवनिंग भाई ठीक है ना तो देखिए भाई आज हमारा तीसरा दिन है थर्ड डे है थर्ड डे है ना तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है पहले दिन हमने ये पढ़ा था दूसरे दिन हमने ये पढ़ा था और तीसरे दिन जो है आज हम ये पढ़ने वाले हैं ठीक है ना तीसरे दिन जो है आज हम ये पढ़ने वाले हैं जी सभी को गुड इवनिंग भाई क्लियर इसमें क्या क्या है वर्ड प्रोसेसर यानी कि एम एस वर्ड इसमें क्या है स्प्रेडशीट यानी यानि कि एम एस एक्शल इसमें क्या है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि पावर पॉइंट यानि कि पावर पॉइंट ठीक है ना तो ये तीन चीज़ जो है आज हम कवर करने वाले एक्सेस जो है एक्सेस वो हम डेटा के साथ पढ़ेंगे जो एम एस एक्सेस है एम एस एक्सेस है ये हम डेटा के साथ साथ पढ़ने वाले हैं ठीक है ना एम एस एक्सेस किसके साथ पढ़ेंगे हम डेटा के साथ साथ पढ़ेंगे भाई एम एस एक्सेस क्लियर हाँ जी तो चलिए भाई आ जाओ सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऑफिस की कहानी किसकी कहानी ऑफिस ऑफिस खेलते हैं ठीक है ना तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे आज वो ऑफिस है और ऑफिस एक पैकेज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का किस चीज़ का पैकेज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है ये एक पैकेज है मेरे भाई क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है पैकेज है मेरे भाई ठीक है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं ठीक है ना दो दिन में तो एक्सेल ही हो पाएगा एक्सेल तो छह महीने ना खत्म हो किरण बाला जी एक्सेल तो छह महीने भी ख़त्म नहीं होता है लेकिन यहाँ खत्म कर रहे हैं और सारी चीज़ें बढ़ेंगे फास्ट चलेंगे है ना देखो सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है इस पैकेज के अंदर जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं कौन सी कौन सी मिलती है जैसे कि आपको वर्ड प्रोसेसर मिलता है क्या मिलता है वर्ड प्रोसेसर जो है आपको इसके अंदर मिलता है ठीक है जी वर्ड प्रोसेसर मिलता है और इसके अंदर आपको स्प्रेडशीट मिलती है क्या मिलती है स्प्रेडशीट जो है इसके अंदर मिलती है स्प्रेडशीट और इसके अंदर क्या मिलता है आपको प्रेजेंटेशन मिलती है क्या मिलती है प्रेजेंटेशन मिलती है और इसके अंदर आपको डेटा की फैसिलिटी भी मिलती है और इसके अंदर आपको ई का क्लाइंट भी मिल जाता है क्या मिल जाता है ईमेल क्लाइंट भी इसके अंदर आपको मिल जाता है भाई ईमेल क्लाइंट भी जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है क्लियर तो ये चीज़ें जो है ऑफ़िस के पैकेज के अंदर हमें मिलती है कौन से पैकेज के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं हमें ऑफिस के पैकेज के अंदर मिलती हैं भाई

अब कौन सा ऑफिस पढ़ेंगे गुरुजी हम पढ़ेंगे एम एस ऑफिस क्या पढ़ेंगे एम एस ऑफिस पढ़ेंगे क्यों लिपरा ऑफिस क्यों नहीं पढ़ेंगे लिपरा ऑफिस क्यों नहीं पढ़ेंगे ओपन ऑफिस क्यों नहीं पढ़ेंगे डब्ल्यू पी एस ऑफिस क्यों नहीं पढ़ेंगे ठीक है ना लीप ऑफिस क्यों नहीं पढ़ेंगे ये भी तो ऑफिस हैं इनका क्या दोष है इनमें भी तो सेम काम है इनका क्या दोष है कि इनको हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है ना ये जो मामला है ये वाला ये दीज आर नॉट यूज़र फ्रेंडली दीज आर नॉट यूज़र फ्रेंडली भाई ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है भाई क्या नहीं है यूज़र फ्रेंडली नहीं है मेरे भाई ये ये क्या नहीं है यूज़र फ्रेंडली नहीं है यूज़र फ्रेंडली होने के नाते जी होने के नाते बहुत ज़्यादा फेमस होने के नाते इसी को पढ़ा जाता है किसको पढ़ा जाता है एम एस ऑफिस को पढ़ा जाता है भाई क्लियर तो एम एस ऑफिस में भी ये सारी चीज़ें शामिल होंगी इनके नाम ये कॉमन नाम है ये इसमें भी है ये इसमें भी है ये इसमें भी है ये इसमें भी है ये भी सेम है ये इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और ये इसके अंदर भी है ये भी सेम है इसमें भी शामिल है ये इसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल है ये भी इसमें भी होता है ये ये इसमें भी होता है ये इसमें भी होता है ये इसमें भी होता है सेम ये इसमें भी होता है ईमेल क्लाइंट इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है यानी कि ये जो अवेलेबल होते हैं सभी ऑफिस में अवेलेबल होते हैं बस इनके नाम अलग अलग होते हैं तो नाम अलग अलग होते हैं तो किसी में कुछ नाम होता है किसी में कुछ नाम होता है तो कौन सा कौन सा नाम होता है देखो किस किस का नाम होगा देखो एम एस ऑफिस के अंदर जो नाम होंगे वो नाम आपको मिले हैं एक तो वर्ड का नाम मिला है वर्ड प्रोसेसर को एम एस वर्ड का नाम मिला है वर्ड प्रोसेसर को जो नाम मिला है वो क्या नाम मिला है वर्ड क्या नाम मिला वर्ड स्प्रेडशीट को जो नाम मिला वो क्या नाम मिला स्प्रेडशीट को नाम मिला एक्सेल क्या नाम मिला एक्सेल प्रेजेंटेशन को जहाँ नाम मिला वो क्या नाम मिला प्रेजेंटेशन को जो नाम मिला वो क्या मिला पावर पॉइंट क्या मिला पावर पॉइंट और डेटा बेस को जो नाम मिला वो क्या नाम मिला डेटा बेस को जो नाम मिला वो मिला एम एस एक्सेस क्या मिला एम एस एक्सेस ई मेल क्लाइंट को जो नाम मिला वो क्या मिला ई मेल क्लाइंट को जो नाम मिला वो मिला एम एस आउटलुक क्या मिला एम एस आउटलुक तो ये अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए भाई ठीक है ना कैथल लो वालूंगी राम 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 भाई ठीक है ना तो ये नाम अलग अलग दिए गए हैं भाई क्लियर है बात सभी को अच्छा जी और नाम डिफरेंट क्या हो सकते हैं वर्ड का नाम राइटर है कईयों में बहुत सारों के साथ जो है इसका नाम राइटर जुड़ा है इसका नाम जो है लिब्रा ऑफिस में ओपन ऑफिस में लीप ऑफिस में जो है इसको राइटर का नाम दिया जाता है जो वर्ड प्रोसेसर है उसको राइटर का नाम दिया जाता है एक्सेल को वर्कशीट या स्प्रेडशीट का नाम दिया जाता है वर्कशीट कहो या स्प्रेडशीट का नाम दिया जाता है प्रेजेंटेशन का अलग अलग नाम है प्रेजेंटेशन का नाम एप्पल वाले में तो है आपका एप्पल वाले कंप्यूटर के अंदर है की नोट एप्पल वाले में क्या नाम है की नोट नाम है भाई ठीक है ना एक में इम्प्रेस नाम है ये मुझे ध्यान नहीं कौन से वाले में है ठीक है ना याद रखना कि इम्प्रेस मतलब पावर पॉइंट है इम्प्रेस कर रहा है ठीक है ना और ये होता है आपका डी बेस ये क्या होता है डी बेस होता है और ये आपके ईमेल क्लाइंट सबके अलग अलग होते हैं मोस्ट फेमस जो है वो एम एस आउटलुक है मेरे भाई क्लियर है ना सभी को ओके okay, रिपोर्ट है बता दे भाई यहाँ तक है ना तो हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं मेरे भाई वो क्या शुरू कर, कर रहे हैं सबसे पहले एम एस वर्ड शुरू कर रहे हैं क्या शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हम एम एस वर्ड शुरू कर रहे हैं एम एस वर्ड एम एस वर्ड जो है सबसे पहले शुरू कर, 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 कर रहे हैं भाई यानी कि वर्ड प्रोसेसर शुरू कर रहे हैं यानी कि क्या शुरू कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर शुरू कर रहे हैं मेरे भाई ठीक है ना बात अरे बात समझ में आई सभी को क्लियर है बात सभी को सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एम एस वर्ड मेरे भाई अच्छा कल की जानकारी देता हूँ मैं आप सभी को आप सभी जुड़े हुए हैं कल जो है तीन बजे कल तीन बजे मैराथन क्लास शुरू होगी तीन बजे दिल्ली पुलिस की तो सभी के लिए बेनिफिशियल है किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ चले जाना कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आता है तो वो जो क्लास है सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी और वो महा मैराथन क्लास होगी तीन बजे शुरू होगी ये नहीं पता ख़त्म कितने बजे होगी चार सौ से पाँच सौ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं कंप्यूटर के जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर हैं प्लस दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मिलते जुलते एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई ठीक है ना क्लियर है ना वाचपी को ट्रिपल सी के एग्जाम में तो आता ही किरण बालाजी यही है आता ही लिब्रा है ट्रिपल सी के एग्जाम में ठीक है ना कोशिश करेंगे जैसे ही अपने को टाइम मिलता है स्टेट के बाद तीन दिसंबर के बाद लिब्रा ऑफिस कंप्लीट पढ़ाएंगे शुरू करते हैं लिब्रा ऑफिस डोंट यू वरी तीन दिसंबर के बाद एक बार एस्टेट निपट जाए है ना तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं भाई एम एस वर्ड शुरू कर रहे हैं भाई सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं एम एस वर्ड शुरू कर रहे हैं भाई क्लियर तो देखिए मेरे भाई तो एम एस वर्ड का ये इंटरफेस होता है भाई एम एस वर्ड का क्या होता है ये इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होता है एम एस वर्ड ठीक है ना ये क्या है आपका एम एस वर्ड है भाई एम एस वर्ड और इसको ओपन कर लो या तो शॉर्टकट से ओपन कर लो या तो किससे ओपन कर लो शॉर्टकट से ओपन कर लो या तो फिर आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन में जा कर के वहाँ सर्च में वर्ड लिख लो या तो फिर आप रन डायलॉग बॉक्स से ओपन कर लो कौन से से रन डायलॉग बॉक्स से ओपन कर लो भाई अब रन डायलॉग बॉक्स से अगर ओपन करना है तो रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की मैंने कल बता दी थी उसके बाद आगे क्या करना पड़ेगा आगे लिखना पड़ेगा उसके अंदर विन वर्ड क्या लिखना पड़ेगा आगे उसके अंदर विन वर्ड लिखना पड़ेगा तब जा कर के एम एस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा ठीक है ओके रिपोर्ट है अब यहाँ आ जाओ अब यहाँ सबसे ऊपर से शुरू कर लेते हैं सबसे ऊपर ये वाला जो बार होता है ये टाइटल बार होता है मेरे भाई कौन सा होता है ये टाइटल बार होता है जिसके ऊपर टाइटल दिया होता है जिसके ऊपर आपका डॉक्यूमेंट का नाम यानी कि एप्लीकेशन का एक तो फाइल का नाम होता है और एक एप्लीकेशन का नाम होता है दोनों नाम होते हैं इसमें ठीक है ना कौन से कौन से एक फ़ाइल का नाम होता है और एक एप्लीकेशन का नाम होता है आपसे पूछा जा सकता है ये ठीक है ना फाइल और एप्लीकेशन का नाम दोनों का नाम होता है और बाई डिफॉल्ट यहाँ क्या नाम होता है मेरे भाई डॉक्यूमेंट वन नाम होता है बाई डिफॉल्ट यहाँ क्या नाम होता है इसका डॉक्यूमेंट वन जो है वो नाम होता है अच्छा टेलीग्राम में ये पीडीएफ डालने वाला हूँ पीडीएफ जो है आप यहाँ से टेलीग्राम से ले लेना मेरे भाई टेलीग्राम से यहाँ ये टेलीग्राम का लोगो होता है ना ऐसा ऐसा तो टेलीग्राम ये चैनल है अपना टेलीग्राम से ये पी जो है आपको मिल जाएगी मेरे भाई ठीक है ना क्लियर बात सभी को हाँ भाई जो अब की बार सिलेबस आया बिंटू उसके लिए तो काफी है उसके लिए तो काफी है वो वाली बुक जिसमें अपना पायतन दी हुई है ठीक है ना सफिशियंट है भाई कि क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने ही पड़ेंगे ठीक है ना देखो टाइटल बार है टाइटल बार पे इस साइड जो बटन होते हैं वो कौन से बटन होते हैं इस साइड एक टूल बार होता है जिसको हम क्या कहते हैं एक्सेस टूल बार कौन सा एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इसे कौन सा टूल बार कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार इसपे तीन कमांड बड़ी फेमस है कौन सी कौन सी सेव कमांड होती है रीडू कमांड होती है और अंडू कमांड होती है अंडू कमांड होती है रीडू कमांड होती है और सेव कमांड तीन कमांड जो होती हैं वो बाई डिफॉल्ट होती हैं क्या इसमें और कमांड भी शामिल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भाई ठीक है ना बिल्कुल कर सकते हैं तो इस इसको क्या नीचे लेकर आ सकते हैं नीचे भी लेकर ले के आ सकते हो किससे ले, नीचे लेकर के आ सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ले इससे नीचे लेकर के आ सकते हैं जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है इसको रिबन कहा जाता है जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है रिबन कहा जाता है रिबन में क्या होता है रिबन में टैब होते हैं रिबन में क्या होता है रिबन में टैब होते हैं टैब में क्या होता है रिबन के अंदर टैब होते हैं टैब के अंदर ग्रुप होते हैं कमांड ग्रुप होते हैं और ग्रुपों के अंदर क्या होती हैं कमांड होती हैं टैब के अंदर क्या हैं ग्रुप हैं ग्रुप के अंदर क्या है कमांड है भाई टैब के अंदर ग्रुप है ग्रुप के अंदर कमांड है भाई ठीक है ना क्लियर है वात सभी को भाई करवाएँ तो गए ही साथ के साथ आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलती जाएँ वो नोट करते जाना बिंटू है ना नोट करते जाना एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको मिलती जाएँ करवाएँगे चिंता ना करो पाइथन भी करवाएंगे सारा कुछ हो जाएगा डोंट वरी बी हैप्पी ठीक है ना देखो भाई क्लियर तो रिबन बार से क्विक एक्सेस टूल बार को नीचे लेकर आ सकते हैं यहाँ लेकर आ सकते हैं बिल्कुल लेकर आ सकते हैं ठीक है ना तो अब जो है टैब की बारी आती है तो कौन से कौन से टैब होते हैं फाइल टैब होम टैब इंसर्ट टैब डिज़ाइन टैब लेआउट टैब रेफरेंस टैब मेलिंग टैब रिव्यू व्यू और हेल्प ये आपको याद करने पड़ेंगे आप सोचो कि सर ये इतने याद हो कैसे होंगे ये याद हो जाएंगे दो तीन बार पढ़ोगे तो चीज़ें जो है आपको अपने आप याद हो जाएंगी इसमें से कुछ टैब जो है वो कॉमन टैब है कुछ टैब जो है वो क्या है कॉमन टैब है जैसे आप इसमें से एक तो निकाल दो रेफरेंस ये रेफरेंस जो है बहुत कम में मिलेगा एक आप इसमें निकाल दो मेलिंग और रिव्यू बाकी सभी में मिलेंगे फाइल होम इंसर्ट डिज़ाइन लेआउट व्यू हेल्प ये जो है आपको एक्सेल में मिलेंगे ये आपको पावर पॉइंट के अंदर भी मिलने वाले हैं ठीक है ना तो ये जो रहते है हैं होते हैं क्या होते हैं टैब होते हैं टैब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टैब में कौन सी कमांड है तो होम टैब के अंदर पांच ग्रुप होते हैं होम टैब के अंदर कितने ग्रुप होते हैं होम टैब में पांच ग्रुप होते हैं मेरे भाई है होम टैब के अंदर पांच ग्रुप कौन से कौन से क्लिपबोर्ड होता है फोन होता है पैराग्राफ होता है स्टाइल होता है और एडिटिंग होता है स्टाइल होता है और इससे लास्ट क्या होता है एडिटिंग होता है मेरे भाई एडिटिंग होम टैब के अंदर होता है किस टैब के अंदर होता है ये होम टैब के अंदर होता है एडिटिंग वाला ग्रुप अब होम टैब यानी कि सबसे पहले तो फाइल वाला टैब जो होता है ये देख लीजिए फ़ाइल वाले टैब के अंदर क्या क्या होता है फ़ाइल वाले टैब के अंदर फ़ाइल के ऑपरेशन शामिल होते हैं अब फाइल पे आप क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हो मेरे भाई फ़ाइल को सेव कर सकते हो फ़ाइल को न्यू ले सकते हो फाइल को सेव एज कर सकते हो सेव एज कर सकते हो फ़ाइल को शेयर कर सकते हो फाइल को प्रिंट कर सकते हो फ़ाइल का प्रिंट प्रिव्यू ले सकते हो फ़ाइल का प्रिंट परिव्यू ले सकते हो है ना और ऑप्शंस भी इसी के अंदर होते हैं ऑप्शन और अदर ऑप्शन एड इंसर्ट भी इसी के अंदर होता है एड इंस होता है जो इसी के अंदर शामिल होता है फाइल के अंदर होता है कहाँ होता है फाइल के अंदर होता है होम टैब में सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड के अंदर कट के सबसे पहली कमांड क्या है कट कट है कॉपी है पेस्ट है फॉर्मेट प्रिंटर है पेस्ट स्पेशल है, है ये आपकी कमांड कहाँ होती हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर होती हैं। कट कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी कॉपी कंट्रोल प्लस सी होता है कट कंट्रोल प्लस एक्स होता है पेस्ट कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट स्पेशल कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी होता है और फॉर्मेट प्रेंटर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है और फॉर्मेट प्रिंटर को पेस्ट करना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है और फॉर्मेट प्रेंटर सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट करेगा कंटेंट को पेस्ट नहीं करेगा ये ध्यान रखना है ठीक है ना कंटेंट को पेस्ट नहीं करेगा ये फॉर्मेट को जैसे ये फॉर्मेट बनाया मैंने इस फॉर्मेट फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा और यहाँ पर अप्लाई कर देगा ठीक है ना इसका फॉर्मेट भी ये वाला हो जाएगा ऐसे वाला ठीक है ना वर्ड कॉपी नहीं होंगे इससे फॉर्मेट पेंटर से फिर आ जाओ फॉन्ट पे फॉन्ट में बड़ी तीन चीज़ें फेमस हैं फॉन्ट में तीन चीज़ें कौन सी कौन सी फेमस हैं फॉन्ट का स्टाइल पूछेगा आपसे फॉन्ट का स्टाइल पूछेगा फॉन्ट का साइज पूछेगा और फॉन्ट का इफेक्ट पूछेगा तीन चीज़ें बड़ी फेमस हैं फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं भाई फ़ोट की किस चीज़ के अंदर आती हैं ये फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं ये तीनों चीज़ें ठीक है ना फोनट का साइज़ की अगर बात करें तो फोट का साइज़ आठ से बहत्तर तक होता है आठ से बहत्तर तक होता है मैनवली डालें तो एक से लेकर के सोलह तक होता है स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में बोल्ड होता है इटैलिक होता है और अंडरलाइन होता है सॉरी अंडरलाइन नहीं होता बोल्ड होता है और इटैलिक होता है इसके अंदर स्टाइल के अंदर क्या क्या होता है बोल्ड और इटैलिक और बोल्ड इटैलिक दोनों इफ़ेक्ट के अंदर क्या क्या होता है इफ़ेक्ट के अंदर सबस्क्रिप्ट होता है सुपर स्क्रिप्ट होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होता है स्ट्राइक थ्रो होता है स्ट्राइक थ्रो होता है स्ट्राइक थ्रो एम्बोस होता है एम्बोस एंग्रेव होता है एंग्रेव ठीक है ना स्मॉल कैप्स होता है ओल कैप्स होता है ये क्या होते हैं आपके इफेक्ट होते हैं सुपर स्क्रिप्ट सब्स्क्रिप्ट क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट होता है इस तरीके से सब्स्क्रिप्ट होता है इस तरीके से बेस लाइन से नीचे लिखना सब्स्क्रिप्ट है बेस लाइन से ऊपर लिखना सुपरस्क्रिप्ट है इसकी जो शॉर्टकट की होती है सबसे लंबी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस या प्लस की जगह इक्वल लिखा जाता है दोनों एक ही बात है क्योंकि एक ही की पर दो की होती हैं मतलब प्लस का निशान जहाँ होता है कीबोर्ड पर वहीं इक्वल का निशान होता है ठीक है ना और सुपरस्क्रिप्ट की सुपरस्क्रिप्ट की लंबी की होगी सबस्क्रिप्ट की की जो होती है कंट्रोल प्लस इक्वल होती है क्या होती है कंट्रोल प्लस इक्वल होती है ये फोंट का मामला है किस चीज़ का मामला है फोंट का मामला है भाई ठीक है ना फोट डायलॉग बॉक्स जो है ये कौन सी शॉर्टकट की से ओपन होता है फोट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंट्रोल प्लस डी से कौन सी की से कंट्रोल प्लस डी से फोट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है भाई ठीक है ना ये फोट के इफेक्ट हैं चाहे वो स्ट्राइक थ्रो हो डबल स्ट्राइक थ्रो सुपर स्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट शेडो आउटलाइन एम्बोस एनग्रेव सम ये पूछा आता है निम्नलिखित में से कौन सा फोट uh, का इफेक्ट नहीं है ये पूछा आता है निम्नलिखित में, में से कौन सा फोन का इफेक्ट है ये पूछा आता है निम्नलिखित में से कौन सा फोट का स्टाइल है ये पूछा आता है निम्नलिखित में से कौन सा फोट का स्टाइल नहीं है ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं ये फोन के स्टाइल हो गए ये फ़ोट के साइज़ हो गए फोट का साइज़ मैंने वाली अलग होता है मैंने बता दिया आपको ठीक है ना इसके बाद इसके बाद आता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग किस चीज की फॉर्मेटिंग आती है सॉरी इसी के बाद इसी के अंदर है सॉरी क्या बोलते हैं इसको चेंज केस इसी के अंदर है आपका चेंज केस है मेरे भाई इसी के अंदर क्या है इसी के अंदर चेंज केस है अब चेंज केस जो है इसकी शॉर्टकट की हो क्या होती है शिफ्ट प्लस एफ थ्री होती है क्या होती हैं शिफ्ट प्लस एफ थ्री जो है इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एफ थ्री इसकी शॉर्टकट की होती है अब चेंज केस में सेंटेंस केस होता है लोअर केस होता है अपर केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है टगल केस होता है सेंटेंस केस मतलब सेंटेंस का पहला अक्सर बड़ा लोअर केस मतलब सारे के सारे स्मॉल लेटर में अपर केस मतलब सारे के सारे अपर अपर केस में कैपिटलाइज ईच वर्ड हर शब्द बड़ा जैसे ईज का आई बडा लाभ सिंह नैन का एल का लाभ का एल बडा सिंह का एश बडा इस तरीके से और टोगल केस होता है उल्टा कर देना जो अक्सर छोटे हैं वो बड़े हो जाएँ जो बड़े हैं वो छोटे हो जाए जाएंगे सेंटेंस ये जो केस होता है चेंज केस ये किसके अंदर होता है फोंट डायलॉग बॉक्स के अंदर होता है फोंट ग्रुप के अंदर होता है किसके अंदर होता है फोंट ग्रुप के अंदर होता है ये चेंज केस यहाँ पर मौजूद होता है फोंट ग्रुप के अंदर ठीक है ना इसके बाद है जो इसके बाद जो देखो पॉन्ट ग्रुप के अंदर इसके बाद है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कौन सी फॉर्मेटिंग है मेरे भाई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से तीन चार चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो कौन सी कौन सी है नंबर एक नंबर एक पूछा जाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से अलाइनमेंट क्या पूछा जाता है अलाइनमेंट पूछा जाता है नंबर दो क्या पूछा जाता है इंडेंटेशन क्या पूछा जाता है इंडेंटेशन पूछा जाता है भाई ठीक है ना और नंबर चार नंबर तीन पर क्या पूछा आता है आपसे नंबर तीन पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लाइन स्पेसिंग क्या पूछा जाएगा लाइन स्पेसिंग पूछा जाएगा भाई ठीक है ना तो तीन चीज़ें जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं कौन सी कौन सी अलाइनमेंट इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग तीन चीज़ें आती हैं भाई अलाइनमेंट क्या होता है अलाइनमेंट होते हैं चार प्रकार के कौन सा कौन सा राइट right होता है लेफ्ट होता है सेंटर होता है और आपका जस्टिफाई होता है इनकी शॉर्टकट की भी ऐसे ही होती है कंट्रोल के साथ मिला दो कंट्रोल के साथ आर मिला दो राइट right है एल मिला दो लेफ्ट है सेंटर के लिए होती है ई e, सेंटर के लिए क्या होती है ई e होती है सेंटर के लिए ई e शॉर्टकट की होती है और जस्टिफाई के लिए जे शॉर्टकट की होती है इंडेंटेशन के लिए कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की होती है क्या होती है कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की जो होती है इंडेंटेशन के लिए होती है हैंगिंग इंडेंट यानी कि सेकंड लाइन इंडेंट के लिए क्या होती है सेकंड लाइन इंडेंट के लिए क्या होते हैं मेरे भाई सेकंड लाइन इंडेंट के लिए होती है आपकी कंट्रोल प्लस टी क्या होती है कंट्रोल प्लस टी होती है ठीक है ना लाइन स्पेसिंग क्या होता है दो लाइनों के बीच में स्पेस देना लाइन स्पेसिंग होता है बाई डिफ़ॉल्ट वन पॉइंट वन फाइव होती है बाई डिफ़ॉल्ट कितनी होती है वन पॉइंट वन फाइव होती है मेरे भाई ठीक है ना और कितनी हो सकती है सिंगल हो सकती है वन पॉइंट फाइव हो सकती है डबल हो सकती है एटलीस्ट हो सकती है एग्जैक्टली exactly हो सकती है मल्टीपल हो सकती है लेकिन ट्रिपल नहीं हो सकती पूछा जाएगा ट्रिपल हो सकती है कि नहीं हो सकती तो ट्रिपल नहीं हो सकती मेरे भाई क्लियर है ना वात को ट्रिपल नहीं हो सकती ठीक है ना ये इतनी इतनी हो सकती है वन पॉइंट वन फाइव हो सकती है लाइन स्पेसिंग की बात है वन पॉइंट वन फाइव हो सकती है वन पॉइंट वन फाइव हो सकती है वन पॉइंट फाइव हो सकती है टू पॉइंट जीरो हो सकती है टू पॉइंट फाइव हो सकती है थ्री पॉइंट जीरो हो सकती है सिंगल हो सकती है डबल हो सकती है एटलीस्ट हो सकती है एग्जैक्टली हो सकती है वन पॉइंट फाइव हो सकती है इत्यादि इत्यादि ठीक है ना ये किसके अंदर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर होता है किस चीज़ के अंदर होता है ये सब कुछ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है जो उसके अंदर होता है ठीक है ना इससे आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ते हैं ये लाइन स्पेसिंग वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट वन पॉइंट वन फाइव टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट जीरो और लाइन स्पेसिंग के अदर ऑप्शन लाइन स्पेसिंग होती क्या है दोनों लाइनों के बीच में वर्टिकल स्पेस को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है दोनों लाइनों के बीच में वर्टिकल स्पेस को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन सी में पूछा गया था कि लाइन स्पेसिंग होती क्या है ठीक है ना तो उसमें ऑप्शन इस तरीके थे कि इस इस स्पेस को लाइनों के बीच में डायग्नल स्पेस जो होता है लाइनों के बीच में ये स्पेस जो होता है लाइनों के बीच में वर्टिकल स्पेस जो होता है तो वर्टिकल स्पेस को कहा जाता है लाइन स्पेसिंग भाई ठीक है ना इसके बाद आता है आपका मार्जिन एम एस वर्ड के अगर हम फीचर्स की बात करें तो मार्जिन आता क्या आता है मार्जिन मार्जिन क्या होता है मार्जिन होता है पेज की एज पेज की किनारे और रूलर के बीच की दूरी मार्जिन कहलाती है क्या कहलाती है मार्जिन कहलाती है स्पेस छोड़ा गया स्पेस जो होता है वो क्या होता है मार्जिन होता है सॉरी पेज की एज नहीं भाई पेज की एज नहीं पेज पर छोड़ा गया स्थान टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सॉरी टॉप इसी तरीके से बॉटम इसी तरीके से राइट सॉरी लेफ्ट इसी तरीके से राइट right साइड में जो छोड़ा गया स्थान है वो क्या होता है आपका मार्जिन होता है मेरे भाई क्या होता है मार्जिन होता है ये मार्जिन है पेज का ये इस पेज का क्या है मार्जिन है मेरे भाई यानी कि इस एरिया में हम कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं ठीक है ना ये मार्जिन होता है रूलर से सेट होता है किससे सेट होता है रूलर से एक मार्जिन और होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं गटर मार्जिन क्या नाम देते हैं गटर मार्जिन नाम देते हैं जिसकी दो पोजीशन होती है एक टॉप होती है और एक लेफ्ट होती है क्या होती है एक टॉप होती है एक लेफ्ट होती है गटर पोजीशन होती है ये गटर पोजीशन किस लिए काम आती है गटर जो पोजीशन होती है स्पाइरल बाइंडिंग के काम आती है मेरे भाई किस चीज़ के काम आती है स्पाइरल बाइंडिंग के काम आती है स्पाइरल बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान होता है गटर मार्जिन स्पाइरल वाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान क्या होता है गटर मार्जिन होता है ये स्थान छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा गटर मार्जिन कहलाएगा मेरे भाई क्या कहलाएगा गटर मार्जिन कहलाएगा भाई ओके रिपोर्ट है यहाँ तक बताओ सभी कमेंट करके सो तो नहीं गए हेलो तो ये गटर मार्जिन जो है स्पाइरल वाइंडिंग के लिए दोनों साइड छोड़ा गया स्थान जो होता है गटर मार्जिन कहलाता है भाई आपका ठीक है ना और इसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बाद स्टाइल है स्टाइल में हेडिंग वन हेडिंग टू नो स्पेस देना हो लिटल सॉरी टाइटल का स्टाइल देना हो सब टाइटल का स्टाइल देना हो तो ये आता है इसके अंदर किस चीज़ के अंदर आता है स्टाइल स्टाइल कहाँ है होम मेन्यू के अंदर क्लिप बोर्ड है होम मेन्यू के अंदर क्लिप क्या होता है क्लिप होता है फॉर्मेट एक टेम्परे एरिया होता है जहाँ पर आप कॉपी करते हो तो कंटेंट वहाँ पर सेव हो जाता है थोड़े समय के लिए उसे क्लिप कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे क्लिप कहा जाता है भाई ठीक है ना क्लियर है को बताइए ना क्लियर है बात सभी को हाँ जी सर अच्छा चलिए भाई देखिए मेरे भाई अब आगे आ जाओ ये हो गया आपका ये क्या हो गया आपका स्टाइल थाँ हो गया क्या हो गया ये आपका स्टाइल टैब हो गया कौन सा सॉरी स्टाइल ग्रुप हो गया कौन सा ग्रुप हो गया स्टाइल ग्रुप हो गया भाई अब आता है आपका एडिटिंग ग्रुप कौन सा ग्रुप आता है एडिटिंग ग्रुप ये कौन से टैब के अंदर है होम टैब के अंदर है कौन सा ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप है इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको फाइंड मिलेगा रिप्लेस मिलेगा सेलेक्ट मिलेगा फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है कंट्रोल प्लस एफ होती है भाई क्या होती है कंट्रोल प्लस एफ होती है रिप्लेस की क्या होती है कंट्रोल प्लस एच होती है भाई और ऑल की क्या होती है कंट्रोल प्लस ए होती है और गो टू की शॉर्टकट की क्या होती है गो टू की होती है कंट्रोल प्लस जी होती है भाई कंट्रोल प्लस जी होती है यानी कि यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं फाइंड भी कर सकते हैं ठीक है ना क्लियर ये होम टैब था कौन सा टैब था ये आपका होम टैब था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होम टैब से पूछे जाते हैं कई बार पूछा जाता है क्लिप बोर्ड पर कितनी कॉपी कर सकते हैं हम एक से लेकर के चौबीस कॉपी क्लिप बोर्ड पर कर सकते हैं कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्लिप बोर्ड पर कौन से कौन से ऑप्शन होते हैं तो पेस्ट ऑल होता है क्लियर ऑल होता है और नीचे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है ऑप्शन जिसका नाम होता है ऑप्शन तो ये तीन ऑप्शन क्लिप बोर्ड पर जरूर होते हैं बाकियों का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता बाकी यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं भाई ठीक है ना क्लियर है वाचबी को तो ये था होम टैब कौन सा टैब था ये आपका होम टैब था भाई अगर आपसे पूछ ले कि पैराग्राफ मार्क कहाँ होता है तो पैराग्राफ मार्क पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है होम टैब में होता है बुलेट एंड नंबरिंग कहाँ होती है वो भी पैराग्राफ के अंदर होती है बुलेट एंड नंबरिंग कहाँ होती है पैराग्राफ के अंदर होती है बोर्ड एंड शेडिंग पैराग्राफ के अंदर होती है कलरिंग देना यानी कि बैकग्राउंड कलर लगाना वो भी इसके अंदर होता है यहाँ पर होता है ठीक है ना बोर्ड एंड शेडिंग के अंदर शेडिंग ऑप्शन के अंदर होता है फोन वाले के अंदर ठीक है क्लियर चलिए भाई इसके बाद जो आता है आपका वो आता है इंसर्ट टैब कौन सा टैब आता है इसके बाद आपका इंसर्ट टैब आ जाता है भाई तो इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या है इंसर्ट टैब में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो वो आपको मिलेगी ठीक है ना क्या क्या ऐड करना है कवर पेज ऐड करना है ब्लैंक पेज ऐड करना है ब्लैंक पेज ऐड करना है यानी कि पेज ब्रेक देना है क्या देना है पेज ब्रेक देना है पेज ब्रेक देना तो शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस है एंटर शॉर्टकट की है अगर हमें पैराग्राफ ब्रेक देना है तो कौन सी शॉर्टकट की है पैराग्राफ ब्रेक देना है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की है पैराग्राफ ब्रेक के लिए है अपनी एंटर की कौन सी की है एंटर एंटर दबाने से नया पैराग्राफ शुरू होता है लाइन ब्रेक देने के लिए कौन सा पैराग्राफ है लाइन ब्रेक देने के लिए क्या होता है शिफ्ट प्लस एंटर होता है लाइन ब्रेक देने के लिए क्या होता है शिफ्ट प्लस एंटर होता है लाइन ब्रेक देने के लिए ठीक है ना और पेज ब्रेक देने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर होता है और टेबल को ब्रेक करने के लिए क्या होता है टेबल ब्रेक करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर क्या होता है मेरे भाई कंट्रोल प्लस सिफ प्लस एंटर होता है क्या होता है टेबल ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस सिर्फ प्लस एंटर होता है मेरे भाई क्लियर है बात सभी को कंट्रोल प्लस सिफ प्लस एंटर होता है टेबल को ब्रेक करने के लिए ओके okay, रिपोर्ट है क्लियर है उसके बाद यहाँ पर टेबल है आपकी उसके बाद क्या है यहाँ पर आपकी टेबल है मेरे भाई ठीक है ना तो टेबल इंसर्ट कर सकते हो टेबल में कम से कम कितनी रो हो सकती हैं कितने कॉलम हो सकते हैं टेबल के अंदर जो है आपके एटलीस्ट वन रो वन कॉलम हो सकता है कितनी वन रो वन कॉलम हो सकता है टेबल के अंदर वन रो हो सकती है वन कॉलम हो सकता है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मैक्सिमम जो हो सकते हैं मेरे भाई मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो आपके तिरसठ कॉलम हो सकते हैं कितने कॉलम हो सकते हैं तिरसठ कॉलम हो सकते हैं किसके अंदर टेबल के अंदर यहाँ से हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं बुक मार्क यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है ना बुक मार्क की शॉर्टकट की एफ़ फाइव है या कह लीजिए गो टू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी है कंट्रोल प्लस जी है दोनों एक ही बात है भाई ठीक है ना लिंक हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल प्लस के है मेरे भाई कंट्रोल प्लस के किसकी शॉर्टकट की हैपर लिंक की शॉर्टकट है, की, की हैड्रोफूटर हम पेज नंबर यहाँ से दे सकते हैं हेडरफूटर पेज नंबर क्या होता है हेडर होता है पेज के हेड में फूटर होता है पेज के बॉटम में जहाँ पेज मार्जिन होता है वहाँ पर होते हैं सारे के सारे ठीक है ना क्लियर है बादशी को बाकी चीज़ें जो है इसमें ऐसे पूछी जाती हैं टेबल के अंदर आ जाइए टेबल के अंदर टेबल को हम दो तरीके से ड्रो कर सकते हैं इंसर्ट टेबल से और ड्रो टेबल से ड्रो टेबल से पेंसिल आएगी ड्रो टेबल से क्या आएगी पेंसिल आएगी या फिर हम इसकी क्या बना सकते हैं एक्सेल की स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं मेरे भाई क्या बना सकते हैं एक्सेल की स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं और इसमें हम क्विक टेबल ले सकते हैं क्या ले सकते हैं क्विक टेबल क्विक टेबल से क्या फ़ायदा है क्विक टेब से टेबल से कैलेंडर आ जाता है मेरे भाई क्या आ जाता है कैलेंडर आ जाता है क्विक टेबल से ठीक है ना कैलेंडर इंसर्ट करना हो तो क्विक टेबल पे क्लिक करना होगा इंसर्ट में जा करके टेबल में जा करके क्विक टेबल पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा भाई ठीक है ना तो ये टेबल वाला आ, मामला है टेबल में आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप पी लेवल पर हो टेबल में आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल में टैब दबाने से अगली सेल में स्विच करते हैं और स्विफ्ट प्लस टैब दबाने से वापस आते हैं ठीक है ना टैब दबाने से क्या होता है मेरे भाई यहाँ कर्सर है यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा कि क्या दबाने से टैब दबाने से क्या दबाने से टैब दबाने से और अगर शिफ्ट प्लस टैब दबा दूँ तो अगर क्या दबा दूँ सिफ्ट प्लस टैब दबा दूँ तो शिफ्ट प्लस टैब दबा दूँ तो वापस चला जाएगा कर्सर क्या चला जाएगा वापस चला जाएगा टेबल में रो इंसर्ट करनी है तो भी हमें टैब दबाना होगा टेबल में नई रो इंसर्ट करनी है तो हमें क्या दबाना होगा टैब दबाना होगा भाई क्लियर है ना बात सभी को ओके रिपोर्ट है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टेबल का लेआउट आ जाता है यानी कि अगर आपसे पूछेगी टेबल में क्या चीज़ कहाँ से चेंज कर सकते हैं हम टेबल में कोई चीज़ जो हम चेंज कर सकते हैं तो कहाँ से चेंज कर सकते हैं तो टेबल के लेआउट से चेंज कर सकते हैं चाहे वो टेबल की सेलों को मर्ज करना हो चाहे वो टेबल की रो को कॉलम को डिलीट करना हो चाहे वो रो कॉलम नहीं इंसर्ट करनी हो डिलीट करनी हो इरेजर लेके आनी हो कॉलम के विड्थ और हाइट जो हो बढ़ानी हो हाइट बढ़ानी हो विड्थ बढ़ानी हो टेबल में टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो टेबल के लेआउट से हम चेंज करेंगे किस चीज से चेंज करेंगे टेबल के लेआउट से चेंज करेंगे भाई ठीक है ना नेक्स्ट आता है डिज़ाइन डिजाइन के अंदर आजकल ये लेटेस्ट आया है ये वाला ऑप्शन जो है लेटेस्ट आया है इसके साथ साथ एक ऑप्शन और आ गया आजकल ड्रो इसके साथ साथ जो है एक ऑप्शन और आ गया है आजकल ड्रो ड्राॅइंग वाला दो हज़ार उन्नीस इक्कीस के अंदर जो है ये शामिल है ठीक है ना इसके अंदर जो है जा... प्री डिफाइंड डिज़ाइन आप ले सकते हो डिज़ाइन के अंदर क्या ले सकते हो आप प्री डिफाइंड डिज़ाइन ले सकते हो भाई प्री डिफाइन डिज़ाइन ले सकते हो ये क्या होते हैं प्री डिफाइंड डिज़ाइन इनको टेम्पलेट कहते हैं मेरे भाई क्या कहते हैं इनको इनको टेम्पलेट कहते हैं भाई क्या कहते हैं टेम्पलेट कहते हैं भाई इनको टेम्पलेट क्या होगा प्री डिफाइंड डिज़ाइन होगा टेम्पलेट भाई ठीक है ना देखिए फिर भाई इसके बाद आता है लेआउट ये भी होम टैब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टैब है तो वो है लेआउट होम टैब के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टैब है तो वो है लेआउट आपका ठीक है ना लेआउट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेआउट में से क्या क्या पूछा जाता है सबसे पहले मार्जिन पूछा आता है ओरिएंटेशन भी पूछा जाता है साइज भी पूछा जाता है कॉलम भी पूछे जाते हैं है ना लाइन नंबर ब्रेक ब्रेक तो आपको बता ही दिया सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक दो प्रकार का होता है वैसे ये ये जो ब्रेक होता है जो मैंने आपको बताया था पेज ब्रेक ये सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक दो प्रकार का होता है कौन सा कौन सा होता है एक तो होता है आपका सॉफ्ट पेज ब्रेक और एक होता है आपका हार्ड पेज ब्रेक एक होता है आपका सॉफ्ट पेज ब्रेक एक होता है हार्ड पेज ब्रेक भाई हार्ड पेज ब्रेक होता है क्लियर एक होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक आपका एक होता है हार्ड पेज ब्रेक तो ये ब्रेक जो होता है ये दो प्रकार का होता है हार्ड पेज ब्रेक की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी सॉफ्ट पेज ब्रेक जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है क्या होता है मेरे भाई ऑटोमेटिक होता है अपने आप अगला पेज आ जाना सॉफ्ट पेज ब्रेक कहलाता है ठीक है ना क्लियर तो मार्जिन से ले लेते हैं किस चीज़ से ले लेते हैं मार्जिन से मार्जिन में क्या क्या होगा आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल मार्जिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा होता है बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होता है और कौन कौन से मार्जिन हो सकते हैं ये आपसे पूछा जाएगा तो नैरो हो, 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 हो सकता है मॉडरेट हो सकता है वाइड हो सकता है मिरर्ड हो सकता है ऑफिस 2003 का डिफॉल्ट हो सकता है ये मार्जिन होते हैं बाई बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है और नैरो है मॉडरेट है वाइड है मिरर्ड है है ना ये जो मार्जिन है अलग अलग प्रकार के मार्जिन यहाँ पर हम ले सकते हैं भाई ठीक है ना इसके बाद ओरिएंटेशन है ओरिएंटेशन क्या होता है कि पेज को हम किस वे में देख रहे हैं पेज को हम लैंडस्केप में देख रहे हैं या पोर्ट्रेट में देख रहे हैं बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है एम वर्ड के अंदर वो पोर्ट्रेट होता है पोर्ट्रेट क्या होता है मेरे भाई बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है पोर्ट्रेट होता है ठीक है ना लैंडस्केप हम इसको बना सकते हैं आपसे पूछा जाएगा कि चौड़ाई कौन से की ज़्यादा होती है ऊंचाई कौन से की ज़्यादा होती है तो ऊंचाई इसकी ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसकी क्या है मेरे भाई चौड़ाई ज़्यादा है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है ठीक है ना तो ये क्या होता है ओरिएंटेशन होता है ये कौन से टैब के अंदर मिलता है पेज लेआउट टैब के अंदर मिलता है कौन से टैब में पेज लेआउट टैब के अंदर ये मिलता है फिर आता है साइज मेरे भाई फिर क्या आता है साइज़ आता है कि पेज का साइज़ हम बाई डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है पेज का वो लेटर का साइज़ होता है बाई डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज़ होता है वो लेटर का साइज़ होता है और अलग अलग साइज़ हम चूज़ कर सकते हैं एक दो बार ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेज का साइज़ नहीं होता तो देख लीजिए कौन सा कौन सा होता है टैबलोइड होता है लीगल होता है स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूटिव होता है ए थ्री ए फोर ए फाइव बी फोर बी फाइव होता है ए सेवन नहीं होता ए सेवन ऑप्शन में एक दो बार देखा गया है ठीक है ना तो कौन सा नहीं होता ए सेवन नहीं होता है ए फाइव होता है बिल्कुल होता है ए सिक्स होता नहीं होता है ए थ्री होता है होता है ए फोर होता है बिल्कुल होता है लेटर होता है होता है टैबलोइड होता है होता है लीगल होता है बिल्कुल होता है एग्जीक्यूटिव होता है बिल्कुल होता है तो ये पेज के साइज़ होते हैं भाई इसके बाद आता है कॉलम के पेज पर कितने कॉलम हम ले सकते हैं यानी कि एक पेज को जो है न्यूज़पेपर की तरह कितने कॉलम में बांटा जा सकता है तो कम से कम एक कॉलम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिक्सटी सॉरी थर्टीन कॉलम ले सकते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो हम थर्टीन कॉलम ले सकते हैं लेटर के पेज पर लेटर के जो लेटर का जो पेज साइज़ है उस पर हम कम से कम जो है एक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तेरह कॉलम ले सकते हैं भाई ठीक है ना तो देखिए भाई इसके बाद है ब्रेक ब्रेक का मैंने बता ही दिया कि ब्रेक आपका सॉफ्ट पेज ब्रेक हार्ड पेज ब्रेक होता है सेक्शन ब्रेक इंपॉर्टेंट है एस्टेड वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन ब्रेक आपसे क्या पूछा जाएगा सेक्शन ब्रेक में सेक्शन ब्रेक में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए हम अलग हम जितने भी पेज लिए हैं हमने डॉक्यूमेंट के अंदर हर पेज पर फॉर्मेटिंग अलग लगाना चाहते हैं हर पेज पर जो है हम फॉर्मेटिंग अलग लगाना चाहते हैं तो क्या करें कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करें कौन सा सेक्शन अप्लाई करें कि हम हर पेज पर अलग फॉर्मेटिंग लगा सकें तो हम कहेंगे जी सेक्शन ब्रेक लगा देना क्या लगा देना सेक्शन ब्रेक लगा देना ये किस लिए होता है डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लिए होता है मेरे भाई किस लिए होता है डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लिए होता है डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लिए क्या होता है डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लिए होता है ये वाला ठीक है ना सेक्शन ब्रेक होता है अब ये पूछा जाता है कि सेक्शन ब्रेक में कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता है तो नेक्स्ट पेज इसमें होता है कॉन्टीन्यूस इसमें होता है इवन पेज इसमें होता है ओल्ड पेज इसमें होता है ये ये जो ऑप्शन इसके अंदर होते हैं नेक्स्ट पेज कॉन्टीन्यूस इवन पेज और ओल्ड पेज ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं मेरे भाई ठीक है ना किस सेक्शन ब्रेक की बात कर रहे हैं इसके बाद आ जाते हैं हम इसके बाद आ जाते हैं रेफरेंस पेज पर कौन से पेज पर कौन से टैब पर आ जाते हैं रेफरेंस टैब पर आ जाते हैं जो रेफरेंस टैब है मेरे भाई इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली चीज़ है वो है आपके फुट नोट और एंड नोट कौन सी है फुट नोट और एंड नोट जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है फुट नोट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है आपकी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ़ होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ होती है और इसकी क्या होती है इंसर्ट एंड नोट की जो होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी इसकी शॉर्टकट की होती है फुट नोट जो होता है पेज के फुट में होता है पेज के पाँव में होता है पेज के लास्ट में फुट नोट होता है और पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में जो है वो एंड नोट होता है पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में क्या होता है एंड नोट होता है भाई ठीक है ना फुट नोट और एंड नोट में एक व्यक्ति ने पूछा कि सर इसमें फ़र्क क्या होता है व्यक्ति ने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो टीचर थे है ना टीचर कंप्यूटर के नहीं कंप्यूटर वालों को तो खैर हो सकता है पता हो तो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने कंप्यूटर पर काम करना था तो उन्होंने उनको समझ में नहीं आया कि फुटनोट और एंड नोट में क्या फ़र्क होता है तो फुटनोट जो होता है वो पेज के बॉटम मार्जिन से ऊपर होता है यहाँ होता है यहाँ फुटनोट और वो क्या होता है किसी वर्ड का पेज पर दिए गए किसी वर्ड का रेफरेंस होता है नीचे जैसे बुक में होता है ऊपर वन लिखा हो नीचे उसका अर्थ दिया मिले है ना तो एंड नोट क्या होता है एंड नोट जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर होगा लेकिन वो बॉटम से ऊपर नहीं होगा वो टॉप मार्जिन से नीचे होगा ठीक है ना यहाँ से शुरू होगा वो पेज के शुरू से शुरू होगा ये पेज के लास्ट से शुरू होता है लास्ट से ऊपर चढ़ता चला जाता है ये शुरू से शुरू होता है एंड नोट जो होता है ठीक है ना ये फर्क होता है एंड नोट और फुट नोट के अंदर भाई ठीक है ना क्लियर इसके बाद आता है आपका रेफरेंस के बाद आता है आपका मेलिंग टैब कौन सा टैब आता है मेलिंग टैब ये अकेला टैब जो है इसी ये मेलिंग टैब जो है अकेला एम एस वर्ड के अंदर मेलिंग टैब होता है अब कहीं भी आपको मेलिंग टैब नहीं मिलेगा एक एम एस वर्ड का फीचर है जो मेलिंग टैब के अंदर होता है ये पूछा भी जाता है कि एम एस वर्ड में ई मेल के फीचर कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं तो ई मेल के फीचर एम एस वर्ड के अंदर होते हैं ठीक है ना मेलिंग टैब के अंदर क्या होता है कि मेल मर्ज हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर मेल मर्ज कर सकते हैं मेरे भाई और मेल मर्ज क्या होता है मेल मर्ज होता है डेटा सोर्स और डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट का मर्जिंग होता है एक होता है आपके पास डेटा सोर्स और एक होता है आपके पास मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है मेन डॉक्यूमेंट होता है मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स दो चीज़ें होती हैं आपके पास ठीक है ना तो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो मेल मर्ज बन जाता है क्या बन जाता है मेल मर्ज बन जाता है भाई मेल मर्ज में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है इसमें पत्र लिखा जाता है इसमें क्या लिखा जाता है पत्र यानी कि लेटर लिखा आता है और डेटा सोर्स के अंदर क्या होते हैं एड्रेस होते हैं डेटा सोर्स के अंदर क्या होते हैं एड्रेस होते हैं भाई ठीक है ना इन दोनों को मर्ज किया जाए तो एक ही पत्र को बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं के पास यानी कि एक ही लेटर को बहुत सारे रिसीवर के पास हम भेज सकते हैं इसकी सुविधा से है ना एक बार में एक लेटर क्रिएट करके हम बहुत सारे लोगों के पास हम भेज सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से आपसे पूछा क्या जाता है स्टार्ट मेल मर्ज कहाँ होता है स्टार्ट मेल मर्ज आपका मेलिंग में होता है कहाँ होता है मेलिंग में होता है है ना ये भी पूछ लिया जाता है कि हाईलाइट मर्ज फील्ड होता है कि नहीं होता एड्रेस ब्लॉक होता है कि नहीं होता ग्रीटिंग लाइन होता है कि नहीं होता एडिट रिसिप्ट लिस्ट होती है कि नहीं होती इस तरीके की चीज़ें भी जो है आपसे मेलिंग वाले टैप से पूछी जा सकती हैं भाई ठीक है ना इसके बाद आता है आपका रिव्यू टैब कौन सा टैब आता है मेरे भाई रिव्यू टैब आता है रिव्यू टैब में का मतलब क्या होता है रिव्यू रिव्यू यानी कि रिव्यू करना देखना दिखाना यानी कि चेक कर लेना अपने डॉक्यूमेंट को जो है अपने डॉक्यूमेंट को ये चेक करो कि सही तरीके से बना भी है या सही तरीके से नहीं बना ना? है ना यानी कि स्पेलिंग वगैरह ठीक है ग्रामर वगैरह ठीक है ना तो रिव्यू में होता है ये सब कुछ कहाँ होता है रिव्यू में और रिव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका प्रूफिंग ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूफिंग प्रूफिंग में ही पूछा जाता है आपसे स्पेलिंग पूछी जाए ग्रामर पूछी जाए थीजर पूछा जाए है ना थीजर्स पूछा जाए थीजर्स में क्या होता है थीजर्स में होते हैं समानार्थक शब्द यानी कि साइनोनियम्स क्या होते हैं साइनोनियम्स जो होते हैं वो थीजर्स में आते हैं इसकी शॉर्टकट की जो होती है शिफ्ट प्लस एफ थ्री होती है मेरे भाई क्या होती है इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की होती है ठीक है ना वर्ड काउंट भी इसी के अंदर होता है और स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है शिफ्ट प्लस एफ थ्री सॉरी शिफ्ट प्लस एफ़ सेवन होती है भाई और स्पेलिंग एंड ग्रामर की क्या होती है एफ़ सेवन होती है क्या होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर की एफ सेवन होती है इसमें देखने वाली दो तीन चीज़ें हैं देखो जहाँ पर स्पेलिंग की ग्रामर ग... सॉरी जहाँ पर ग्रामर गलत होगी वहाँ पर कैसी लाइन आएगी जहाँ पर ग्रामर गलत होगी ग्रीन लाइन आएगी कैसी लाइन आएगी ग्रीन लाइन फॉर ग्रामर ग्रीन लाइन फॉर ग्रामर ठीक है ना और, और कौन सी रेड लाइन फॉर रेड लाइन फॉर स्पेलिंग रेड लाइन फॉर स्पेलिंग भाई रेड लाइन आएगी तो स्पेलिंग के लिए आएगी मैंने को लाइन को भी ऐसे ही कर देता हूं है ना ये अच्छा आइडिया है ग्रीन लाइन फॉर ग्रामर ग्रीन वैसे दिखाई तो दे नहीं रहा होगा चलो कोई ना और रेड लाइन फॉर स्पेलिंग रेड वेवी लाइन रेड वेवी लाइन ये कैसी लाइन है वेवी लाइन है कैसी लाइन है ये वेवी लाइन है भाई ठीक है ना और ये स्पेलिंग के लिए भी होती है और ये डुप्लीकेट वर्ड के लिए भी होती है किस चीज़ के लिए होती है ये डुप्लीकेट वर्ड के लिए भी यही होती है और स्पेलिंग के लिए भी यही होती है और एक होती है ब्लू लाइन एक कौन सी होती है आपकी ब्लू लाइन होती है भाई ब्लू लाइन किस लिए होती है ब्लू लाइन फॉर वर्ड फॉर्मेट ब्लू लाइन किस लिए होती है फॉर वर्ड फॉर्मेट वर्ड का फॉर्मेट रॉन्ग हो जाए वर्ड का फॉर्मेट क्या हो जाए रॉन्ग हो जाए उसके लिए ब्लू लाइन है रेड लाइन आपकी ग्रामर के लिए है uh, रेड लाइन आपकी स्पेलिंग और डुप्लीकेट वर्ड के लिए ग्रीन लाइन आपकी ग्रामर के लिए है भाई ठीक है ना एक बार बताओ भाई सभी यहाँ तक कमेंट करके बताओ यहाँ तक चीज़ें ओके हैं ना एक बार बताना ज़रा कमेंट करके मैं पानी भी लेता हूँ बताओ भाई यहाँ तक तो ओके है मामला देखना एक बार हाँ जी ओके है ओके okay, है जी ओके okay. अच्छा जी ठीक है देखो अब आते हैं आगे ये रिव्यू वाला मामला था कौन से वाला मामला था रिव्यू वाला मामला था इसके बाद व्यू व्यू का मतलब होता है देखना दिखाना दर्शाना बताना है ना यानी कि कोई चीज देखनी है कोई चीज हटानी है कोई चीज शो करनी है कोई चीज हाइड करनी है वो कहाँ से होगी व्यू से होगी कहाँ से होगी मेरे भाई वो व्यू से होगी तो व्यू में सबसे पहले व्यूज हैं यानी कि पेज को हमारे देखने के हैं। तरीके हैं कई तरीके हैं पेज को देखने के रीड मोड है पेज को देखने का तरीका पेज लेआउट मोड है वेब लेआउट मोड है ड्राफ्ट मोड है आउटलाइन मोड है ठीक है ना रीड मोड में सारे मेन्यू हाइड हो जाते हैं रीड मोड में क्या हो जाते हैं मेरे भाई मेन्यू हाइड हो जाते हैं मेन्यू क्या हो जाते हैं हाइड हो जाते हैं सारे के सारे रीड मोड में फुल स्क्रीन मोड कह सकते हैं इसको इसको हम क्या कह सकते हैं फुल स्क्रीन मोड इसको हम कह सकते हैं भाई फुल स्क्रीन मोड ठीक है ना प्रिंट लेआउट आपका बाय डिफॉल्ट होता है जिसमें प्रिंट जैसा आएगा प्रिंट जैसा आएगा वैसा दिखाई देगा ठीक है ना वैसा प्रिंट प्रीव्यू के अंदर प्रिंट लेआउट के अंदर दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो क्या है प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो क्या है मेरे भाई प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ टू है मेरे भाई क्या है कंट्रोल प्लस एफ टू जो है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है और प्रिंट की शॉर्टकट की अकेले प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी क्या है कंट्रोल प्लस है भी है मेरे भाई ठीक है ना यहाँ से आपको जूम भी मिलेगा जूम कम से कम आपका कितना मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हंड्रेड होता है डिफ़ॉल्ट कितना होता है मेरे भाई डिफ़ॉल्ट होता है हंड्रेड और मैक्सिमम कितना होता है मैक्सिमम होता है इसके अंदर पाँच मैक्सिमम कितना होता है पाँच प्रतिशत में होता है ये ठीक है ना और मिनिमम जो होता है इसके अंदर वो मिनिमम कितना होता है मिनिमम होता है आपका टेन परसेंट कितना होता है मेरे भाई टेन परसेंट होता है मिनिमम रूलर को यहीं से लगा सकते हैं हटा सकते हैं ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं लगा सकते हैं नेविगेशन पेन को लगा सकते हैं हटा सकते हैं ठीक है ना ये इसके अंदर विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं दो भागों में बांट सकते हैं अरेंज कर सकते हैं सारी विंडो को और नई विंडो भी यहाँ से हम ले सकते हैं किस चीज़ के अंदर से ले सकते हैं व्यू टैब के अंदर से हम ये चीज़ें ले सकते हैं और ये जो व्यू है ये सारे के सारे स्टेटस बार पर भी दर्शाता है स्टेटस बार कहाँ होता है डॉक्यूमेंट विंडो के बिल्कुल नीचे होता है स्टेटस बार जिसको हम कहते हैं उस पर जूम भी दिखाई देता है उसमें जूम स्लाइडर भी होता है जूम को कम ज़्यादा करने के लिए स्लाइडर होता है वो कहाँ होता है स्टेटस बार पर होता है कहाँ होता है मेरे भाई स्टेटस बार पर होता है ओके चलिए भाई ये विंडो स्विच मैक्रो हम यहीं से लगा सकते हैं मैक्रो मैक्रो की जो शॉर्टकट की है वो अल्ट प्लस एफेट है मैक्रो की शॉर्टकट की क्या है अल्ट प्लस एफेट जो है मैक्रो की शॉर्टकट की है मैक्रो होता क्या है सीरीज ऑफ कमांड होता है मैक्रो क्या होता है मेरे भाई सीरीज ऑफ कमांड होता है मैक्रो सीरीज ऑफ कमांड क्या होता है मैक्रो होता है सीरीज ऑफ कमांड जो होता है क्या होता है आपका मैक्रो होता है भाई तो यानी कि कमांडो का समूह जिसको हम मैक्रो कह सकते हैं भाई क्या कह सकते हैं जिसको हम मैक्रो कह सकते हैं क्लियर तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सटेंशन एंड शॉर्टकट की एक्सटेंशन क्या हो है इसकी पहले एक्सटेंशन होती थी डॉट डी ओ सी एक्सटेंशन होती थी फिर एक्सटेंशन आई डॉट डी ओ सी एक्स ठीक है ना ये कब आई थी 2007 से आई थी 2007 से आई थी, से आई थी. उसके बाद यही है ये 2003 या इससे पहले हुआ करती थी ठीक है ना और जो लिब्रा ऑफिस की शॉर्टकट की है एक्सटेंशन डॉट ओ डी टी है वो वो क्या है डॉट ओ डी टी है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट क्या है ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है मेरे भाई ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है ये शॉर्टकट की ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है भाई शॉर्टकट की आपको मैंने बता ही दिया शॉर्टकट की फिर भी मैं आपको सारी की सारी शॉर्टकट की जो वो लिखवा देता हूँ कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक आपको शॉर्टकट की हर हालत में याद होनी चाहिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है ना इस तरीके से जो है ये शॉर्टकट की सारी सारी आपको आनी चाहिए मेरे भाई ठीक है ना? एकदम से याद नहीं होंगी धीरे धीरे हो जाएंगी सेलेक्ट ओल होती है सेलेक्ट ओल सेलेक्ट ओल कंट्रोल ए बी फोर बोल्ड सी फोर कॉपी डी फोर डायलॉग बॉक्स डायलॉग बॉक्स वो किस चीज़ में डायलॉग बॉक्स वर्ड में वर्ड में किस चीज़ का डायलॉग बॉक्स फोन्ट का डायलॉग बॉक्स ई फोर सेंटर लाइनमेंट ई फोर सेंटर अलाइनमेंट एफ फोर फाइंड

m4 indent m4 indent n4 new file n4 new file o4 open old file old file p4 print p4 print q4 for clear formatting clear format r4 for r for right alignment r for right alignment r for right alignment s for say t for hanging indent t for hanging indent u for underline u for underline v for paste v for paste W4 close with save close and save W4 close and save X4 cut Y4 redo Y4 redo Z4 undo Z4 undo मेरे भाई clear है ना बात सभी को okay report है है ना और shortcut की MS Word के अंदर select करने की shortcut की होती है सेलेक्ट करने की क्या वर्ड को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है डबल क्लिक क्या होती है डबल क्लिक होती है वर्ड को सिलेक्ट करने की सेंटेंस को सिलेक्ट करने की सेंटेंस को सिलेक्ट करने की होती है कंट्रोल प्लस क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक होती है सेंटेंस को सिलेक्ट करने की पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की क्लिक होती है ट्रिपल क्लिक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की होती है ट्रिपल क्लिक क्या होती है ट्रिपल क्लिक होती है भाई क्लियर ओके okay, रिपोर्ट है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्या मिलता है एम एस क्या मिलता है एम एस मिलता है यानी कि स्प्रेडशीट मिलता है आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है मेरे भाई स्प्रेडशीट मिलता है ये क्या है आपकी स्प्रेडशीट है भाई क्या है आपकी स्प्रेडशीट है भाई ठीक है ना यानी कि एम एस एक्सल यानी कि क्या है एम एस एक्सल है भाई ठीक है क्लियर है बात सभी को यहां तक ओके है बताओ एक बार यहां तक ओके है ना कोई दिक्कत तो नहीं वेल डन सर वेल डन थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच एस टेड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बुक नहीं मिल रही सर आपकी क्या करें नेक्स्ट वीक बुक तो नेक्स्ट वीक आएगी भाई ठीक है ना ओके okay, है जी ओके 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 सॉरी 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 देखना भाई माइक की वायर दब गई थी पाँव के नीचे ठीक ठाक आवाज आ रही है ना देख लेना एक बार तो स्प्रेडशीट का मामला शुरू कर देते हैं स्प्रेडशीट में बहुत सारा मामला जो है वो यूं का यूं है जैसे आपका एम एस वर्ड में था सिर्फ एक टैब अलग है फॉर्मूला और डेटा दो टैब अलग है फॉर्मूला अलग है और डेटा टैब अलग है भाई एक फॉर्मूला टैब अलग है एक डेटा टैब अलग है ठीक है ना दो टैब जो है ये इसमें डिफरेंट है इसमें एम एस एक्सल के अंदर जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर हैंडल किया जा सकता है एम एस एक्सेल में जो है फिनांशियल पोजिशन चेक की जा सकती है एम एस एक्सल कैलकुलेशन में जो है बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है ऑटोफील होता है बहुत कुछ होता है इसके अंदर मेरे भाई ठीक है ना एम एस एक्सेल के अंदर तो ये जो है आपका क्या है रिबन बार है ये क्या है रिबन बार है मेरे भाई ये क्या है आपका फॉर्मूला बार है ये क्या है इधर ये फॉर्मूला बार है ठीक है ना ये क्या है आपका फॉर्मूला बार है भाई फॉर्मूला बार से इस साइड क्या होता है ये होता है इधर जहाँ ए वन लिखा है जहाँ पर हमारा कर्सर होता है जिसे हम एक्टिव सेल कहते हैं जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उसे क्या कहा जाता है एक्टिव सेल और उस एक्टिव सेल का एड्रेस जो होता है वो कहाँ होता है वो नेम बॉक्स के अंदर होता है मेरे भाई कहाँ होता है वो नेम बॉक्स के अंदर होता है एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ होता है नेम बॉक्स के अंदर होता है एक्टिव सेल का एड्रेस ठीक है ना बाकी सारे कमांडे जो हैं सेम रहेंगे बस इसमें क्या होता है रोज़ और कॉलम्स होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं इसके अंदर रोज होती हैं और इसके अंदर क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं भाई क्या होते हैं रोज़ और कॉलम रोज़ कितनी होती हैं पहले जो होती थी पहले पहले होती थी आपकी दो रो ठीक है ना कितनी रो होती थी पहले दो रो होती थी और कॉलम जो होते थे पैंसठ हज़ार पाँच सौ छत्तीस होते थे ठीक है ना अब जो है अब रो कितनी होती हैं अब रो होती हैं सोलह तीन सौ चौरासी और कॉलम कितने होते हैं सॉरी रो जो होती है उल्टा उल्टा लिख दिया भाई मैंने कॉलम जो होते हैं वो दो सौ छप्पन होते हैं अब पहले होते थे आपके पहले रोज जो होती थी वो पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस होती थी अब जो होती है वो दस अड़तालीस पाँच सौ छिहत्तर होती है दस अड़तालीस पाँच सौ छिहत्तर कॉलम जो होते हैं वो सोलह तीन सौ सो। चौरासी होते हैं मेरे भाई ठीक है ना पहले ये होते थे ए से लेकर के आई वी तक ए से लेकर के आई वी तक और अब ये होते हैं ए से लेकर के एक्स एफ डी तक होते हैं मेरे भाई एक्स एफ डी तक चले जाते हैं ये ठीक है ना और रो जो होती हैं वो दस लाख अड़तालीस हज़ार पाँच सौ छिहत्तर होती हैं दस अड़तालीस पाँच सौ छिहत्तर क्या होती हैं रो होती हैं क्लियर है यहाँ ए से शुरू होते हैं अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं कॉलम को और नंबर दिए जाते हैं वो रो को दिए जाते हैं ठीक है ना फार्मूला बार में हम सेल की कंटेंट की एडिटिंग फार्मूला बार में भी कर सकते हैं डबल क्लिक के भी से भी कर सकते हैं और एफ़ टू दबाने से भी कर सकते हैं ठीक है ना कंटेंट की जो एडिटिंग है वो हम कंटेंट अगर एडिट करना हो हमें तो वो कौन सी कौन सी से कर सकते हैं एफ़ टू से कर सकते हैं फॉर्मूला बार से कर सकते हैं फॉर्मूला बार से और आप कैसे किससे भी कर सकते हो ये हम जो है आपका डबल क्लिक से भी कर सकते हैं किससे भी कर सकते हैं डबल क्लिक से भी कर सकते हैं मेरे भाई डबल क्लिक से भी कर सकते हैं क्लियर है ना बात सभी को हाँ जी क्लियर है हाँ कल वाली क्लास भी आप जरूर लगा लेना क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्योंकि पीजीटी वालों को वो वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने चाहिए कल वाली क्लास जो तीन बजे शुरू होगी और ख़त्म पता नहीं कब होगी चार सौ पाँच सौ क्वेश्चन हैं मतलब कल वाले क्लास आप यूं ले लेना क्योंकि आपका पूरा बेसिक रिवाइज हो जाएगा अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चन निकाल रखें जो आपको परेशान करेंगे अगर आपको नहीं आते होंगे तो मतलब वो सीरियस मामला हो जाएगा स्टेट वालों को तो वैसे ही आने चाहिए वो कंप्यूटर साइंस वालों को तो है ना तो वो आने ही चाहिए वो भी आपके लिए क्लास जो होगी वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी भाई ठीक है चलिए भाई आ जाओ तो ये इस तरीके से जो होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है इसको रो कहा जाता है वर्टिकल पार्ट जो होता है इसे कॉलम कहा जाता है है ना यहाँ से फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं और फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है वो शिफ्ट प्लस एफ थ्री होती है शिफ्ट प्लस एफ़ थ्री इसमें फंक्शन इंसर्ट करेगी एम एस एक्सल के अंदर चें एम एस वर्ड के अंदर चेंज केस करेगी यहाँ पर हमारा फंक्शन इंसर्ट करेगी ठीक है ना यहाँ पर हमारे क्या करेगी फंक्शन इंसर्ट करेगी मेरे भाई यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं होम टैब है ये इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग यानी कि इस सेल में अगर पच्चीस से नीचे नंबर है तो इसका सेल का कलर जो है वो रेड हो जाए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से दी जाती है स्टाइल से दी जाती है कहाँ से दी जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल से दी जाती है मेरे भाई इंसर्ट को रो रो को इंसर्ट करना कॉलम को इंसर्ट करना रो को डिलीट करना कॉलम को डिलीट करना फॉर्मेट करना फॉर्मेट चेंज करना इनका जैसे कि फॉर्मेट चेंज यहाँ डेट का फॉर्मेट लेके आना तो यहाँ डेट का फॉर्मेट हो जाएगा नंबर का फॉर्मेट लेके आना नंबर का हो जाएगा डॉलर साइन का लेके आना तो डॉलर साइन का हो जाएगा है ना एक होता है यहाँ पर ऑटो फिल ये क्या होता है ओटो फिल होता है मेरे भाई ऑटो फिल का मतलब होता है सीरीज अपने आप फिल हो जाना वन टू थ्री देंगे उसके बाद जहां तक आप बोलोगे वहां तक कंप्यूटर अपने आप जो है फिल कर देगा अपने आप फिल कर देगा भाई सॉर्ट एंड फिल्टर होता है इसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है सोर्ट, करेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये क्या करेगा सॉर्टिंग कर देगा मेरे भाई ठीक है ना और फिल्टर जो है फिल्टर क्या करेगा आपका बहुत बड़े लार्ज डेटा में से एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा जो है वो निकाल देगा ठीक है ना रजत धालसुल राम राम भाई कैसे हैं बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हैं कहाँ गायब रहते हो चलिए भाई अब इसके बाद जो है ये तो होम वाला ही था ये तो वही मामला है होम के अंदर ही होता है ये सारा कुछ आपसे यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं कि मर्ज एंड सेंटर क्या होता है मर्ज एंड सेंटर होता है पूरी सेल बहुत सारी सेलों को आपस में मिला देना क्या होता है मर्ज कर देना सेंटर कर देना होता है डॉक्यूमेंट कंटेंट को सेंटर में ले आना रैप टैक्सट क्या होता है रैप टैक्स होता है सेल के अंदर सेल के अंदर यूँ लिखा जाना फिर इसी सेल में आगे लिखा जाना और इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस सेंटर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है अल्ट प्लस एंटर होती है कि इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एंटर रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एंटर और विंडो में अगर दबाया जाए अल्ट प्लस एंटर तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है विंडो में अगर अल्ट प्लस एंटर दबाया जाए तो किसकी शॉर्टकट की बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट किया है तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन कर देगी उसकी क्या ओपन कर देगी प्रॉपर्टी ओपन कर देगी कौन सी की अल्ट प्लस एंटर की अल्ट प्लस एंटर की ओपन कर देगी भाई ठीक है ना हाँ जी अच्छा सस्सी ने गायब कर रखे थे अच्छा <laughs> सस्सी वाला फोबिया तो खत्म हो गया होगा भाई हमें भी दर्शन दो फिर चल आ जाओ देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो ये वाली होती है भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है कि किस चीज़ पे कंडीशन आपने लगानी है अलग अलग बहुत बेहिसाब कंडीशन जो है एक्सेल के अंदर हम लगा सकते हैं ठीक है ना इंसर्ट करना हो शीट रो इंसर्ट शीट की रो इंसर्ट करनी हो कॉलम इंसर्ट करना हो सेल इंसर्ट करनी हो शीट इंसर्ट करनी हो शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है मेरे भाई शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है सिफ्ट प्लस एफ ग्यारह सिफ्ट प्लस एफ ग्यारह क्या होती है शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है चार्ट शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है चार्ट शीट अगर इंसर्ट करनी है तो चार्ट शीट अगर इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस एफ ग्यारह क्या होती है कंट्रोल प्लस एफ ग्यारह होती है भाई ठीक तो है ना सॉरी चार्ट शीट इंसर्ट करनी है तो अकेली एफ ग्यारह होती है और मैक्रो इंसर्ट करनी है मैक्रो शीट मैक्रो शीट इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस एफ ग्यारह होती है क्या होती है कंट्रोल प्लस एफ ग्यारह होती है भाई कंट्रोल प्लस एफ ग्यारह होती है कंट्रोल प्लस एफ बारह से क्या होता है कंट्रोल प्लस एफ बारह से ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है क्या होता है ओपन डायलॉग बॉक्स जो है क्या होता है ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या होता है ओपन होता है भाई कंट्रोल प्लस एफ बारह से और अकेले एफ बारह से क्या होता है अकेले एफ बारह से सेवैज तो होता है भाई क्या होता है सेवैज तो होता है, है अकेले एफ़ बारह से क्या तो होता है सेवैज होता है मेरे भाई क्लियर चलिए भाई ये फॉर्मेट है फॉर्मेट रो की हाइट बढ़ानी हो कॉलम की विड़थ बढ़ानी हो रो की हाइट जो होती है वो जीरो से लेकर के चार सौ नौ तक हो सकती है ठीक है ना बाई डिफ़ॉल्ट जो होती है रो की हाइट वो आठ पॉइंट पचहत्तर होती है आठ पॉइंट पचहत्तर होती है कॉलम की विड़थ जो, जो होती है कॉलम की विथ ज़ीरो से लेकर के दो सौ पचपन तक हो सकती है जीरो से दो सौ पचपन तक हो सकती है कॉलम रो की हाइट पंद्रह होती है भाई रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट पंद्रह होती है इसकी हाइट जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो आठ पॉइंट इसकी विर्थ जो होती है आठ पॉइंट पचहत्तर होती है भाई ठीक है ना क्लियर नाइस एक्सप्लेनेशन सर थैंक यू सो मच भाई बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा कोई बात नहीं रजत आई टॉक टू यू करूँगा बात मैं आपसे ठीक है ना क्लियर है ना बात सभी को यहाँ तक मामला ओके है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये वाला तो हो ही गया होम वाला तो जो मामला निपट गया अपना इसके बाद आता है इंसर्ट इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट में हम यहाँ पर चार्ट मेन है क्या मेन है चार्ट जो है इंसर्ट कर सकते हैं हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर एक्सेल के अंदर चार्ट ठीक है ना चार्ट कितने प्रकार के होते हैं चार्ट जो होते हैं चार्ट दो प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है एक तो एम्बेडिड चार्ट एक चार्ट चार्टीट चार्ट जो है दो प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है एक तो एम्बेडिड चार्ट एक तो एम्बेडेड चार्ट और एक चार्ट शीट एम्बेडेड चार्ट क्या होता है एम्बेडेड चार्ट होता है उसी पर डेटा उसी शीट पर डेटा उसी शीट पर चार्ट डेटा चार्ट इकट्ठा ठीक है ना और चार्ट शीट जो होता है उसमें डेटा और चार्ट दोनों चीज़ें इकट्ठी गठ, अलग अलग होती हैं अलग शीट पर चार्ट अलग शीट होती हैं ठीक है ना चार्ट अलग शीट पर होता है और डेटा अलग शीट पर होता है अम्बेडिट चार्ट और चार्ट शीट दो प्रकार से होता है भाई यहाँ पर पेज लेआउट है प्रिंट पेज लेआउट के अंदर पता ही है आपको सारी चीज़ें प्रिंट वगैरह करना है कंट्रोल प्लस पी वही सारी चीजें हैं जो हम एम एस वर्ड के अंदर पढ़ के आए हैं ठीक है ना चलिए भाई अब चार्ट जो होता है वो कितने प्रकार का यहाँ पर होता है चार्ट जो होता है कॉलम चार्ट लाइन चार्ट पाई चार्ट बार चार्ट एरिया चार्ट एक्स वाई चार्ट एक्स वाई चार्ट को स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है ऐसे पूछा जाता है पाई चार्ट में ऐसे गोलदार होता है इसमें हम दर्शा सकते हैं कि कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत जो है भाग यहाँ पर होता है स्टोक चार्ट सरफेस चार्ट रडार चार्ट ट्री मैप चार्ट सनबर्श चार्ट हिस्टोग्राम चार्ट बॉक्स चार्ट वाटरफॉल चार्ट कोम्बो चार्ट कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा चार्ट नहीं होता एक्सेल के अंदर नमस्ते भाई लोयल भारतीय नमस्ते कई बार क्या क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा चार्ट आपका होता ही नहीं कौन सा चार्ट नहीं होता तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एटलीस्ट मेन मेन बेसिक बेसिक तो आपको ध्यान रखने होंगे कॉलम पाई लाइन बार एरिया डार सरफेस एक्स वाई चार्ट स्कैटर चार्ट ये कॉमन तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे मेरे भाई ठीक है ना चलिए भाई इसके बाद आता है एम एस एक्सएल के अंदर आपका फंक्शन फॉर्मूला आता है फॉर्मूला और फंक्शन में दोनों में फर्क है ठीक है ना फॉर्मूला और फंक्शन में क्या फर्क है फॉर्मूला हमेशा इक्वल के निशान से शुरू होता है दो प्लस पांच लिख दिया तो ये फार्मूला है दो प्लस पांच लिख दिया तो ये क्या हुआ फॉर्मूला है लेकिन सम लिख दिया सम लिख करके अगर हम ऐसा करते हैं एक ओम भी तो ये फंक्शन है मेरे भाई ये क्या है आपका फंक्शन है मेरे भाई और फंक्शन जो है एक्सेल के अंदर बहुत सारे प्रकार के इतने प्रकार के फंक्शन पढ़ते पढ़ते ही थक जाओगे आप है ना लेकिन मेन मेन सी चीज़ें जो है मेन मेन फंक्शन हमें पढ़ने होते हैं वो कौन से कौन से फंक्शन होते हैं जैसे कि वैसे फंक्शन की कैटेगरी आपको ध्यान में होनी चाहिए कैटेगरी ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी कौन सी कैटेगरी जो है फंक्शन की इसके अंदर होती है तो कैटेगरी कौन सी कौन सी फाइनेंशियल है डेटा एंड टाइम में मैथ है स्टेटिस्टिक्स है लुक एंड रेफरेंस है डेटा बेस है लॉजिकल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग क्यूब और कम्पेटिबिलिटी इनमें से जो मेन है वो कौन से कौन से आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट पता होना चाहिए डेट एंड टाइम का पता होना चाहिए मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल का पता होना चाहिए लुक एंड रेफरेंस का पता होना चाहिए डेटा का पता होना चाहिए टेक्स्ट लॉजिकल का पता होना चाहिए ये तो मेन है जो मैंने टिक किए हैं ये तो क्या है मेन है भाई ये तो आपको पता हर हालत में होने ही चाहिए हर हालात में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है ना बात समझ रहे हो इनकी कैटेगरी है मतलब ये कैटेगरी है इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन है ये तो क्या है कैटेगरी है फंक्शन नहीं है ये कैटेगरी है इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं मेरे भाई ठीक है ना जैसे यहाँ पर लिखा है फिनांशियल फंक्शन लॉजिकल फंक्शन टेक्स फंक्शन डेट एंड टाइम फंक्शन लुकअप मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री और मोर फंक्शन ठीक है ना यारे की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं अब ये फंक्शन जो है सिंपल वैल्यू पर भी लग जाता है और रेंज पर भी लग जाता है किस पर लग जाता है रेंज पर रेंज क्या होती है ग्रुप ऑफ सेल होता है रेंज मेरे भाई क्या होती है ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है रेंज होती है ग्रुप ऑफ सेल इसको कैसे दर्शाया जाता है इसको जो है कोलन से दर्शाया जाता है ए वन से लेकर के ए फाइव तक की एक रेंज है ए वन से लेकर के ए फाइव तक की एक रेंज है तो इसको कोलन से दर्शाया जाता है किस चीज़ से दर्शाया जाएगा कोलन से इसको दर्शाया जाएगा अब रेंज के अंदर हम रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं भाई अब रेफरेंसिंग क्या बला है रेफरेंसिंग होता है इस सेल का रेफरेंस अगली सेल में अपने आप चले जाना यानी कि यहाँ पर मैं टोटल करूँ तो इससे अगला टोटल अपने आप इस सेल से रेफरेंस लेकर के हो जाना रेफरेंसिंग होता है अब रेफरेंसिंग दो प्रकार की होती है वो कौन सी कौन सी होती है एक एब्सोल्यूट होती है और एक होती हैं आपकी रिलेटिव एक एब्सोल्यूट होती हैं और एक होती है आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग होती, होती है भाई जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है उसमें डॉलर साइन का प्रयोग होता है रिलेटिव होती है जो बाई डिफ़ॉल्ट होती है रिलेटिव क्या होती है आपकी बाई डिफ़ॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है ठीक है ना रेफरेंसिंग के लिए शॉर्टकट की जो है एफ फोर टोगल की शॉर्टकट की है रेफरेंसिंग के लिए और एब्सोल्यूट जो रेफरेंसिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है वो भी मतलब आगे सब टाइप के होती है मिक्सड रेफरेंसिंग जिसको कह देते हैं क्या कह देते हैं मिक्सड रेफरेंसिंग कह देते हैं मेरे भाई मिक्सड रेफरेंसिंग भी होती है इसके अंदर मिक्सड रेफरेंसिंग में एक डॉलर साइन प्रयोग होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में दो डॉलर साइन प्रयोग होते हैं ठीक है ना कैसे होते हैं देखो इसमें अगर ए को ए को ब्लॉक करना है तो ए से पहले डॉलर साइन लगा दो वन को ब्लॉक करना है तो वन से पहले डॉलर साइन लगा दो यानी कि अब वन भी लॉक है और ए भी लॉक है यानी कि वन रो और ए कॉलम ब्लॉक है अगर एक को ब्लॉक करते हैं सिंपल कॉलम कॉलम को ब्लॉक किया है तो ये मिक्सड रेफरेंसिंग कहलाएगा क्या कहलाएगा मिक्स और ये क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहलाएगा मेरे भाई क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहलाएगा ओके okay, रिपोर्ट है क्लियर है ना बात सभी को चलिए भाई ये टेबल बना करके दे रखिए इसमें जो है हम जो है टोटल निकाला है टोटल एक बार टोटल निकाला सभी का टोटल अपने आप आ जाना रेफरेंसिंग होता है क्या होता है रेफरेंसिंग रिलेटिव रेफरेंसिंग होता है और एक का टोटल निकाल लें अगर हम एक का टोटल निकाल लें एक का टोटल से जैसे मान लीजिए एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है इसका टोटल मुझे इसके साथ करना है इसका भी इसके साथ करना है इसका भी इसके साथ इसका भी इसके साथ इसका भी इसके साथ, साथ यानी कि ये जो सेल है ये मैंने फिक्स करनी है कौन सी सेल है डी टू कौन सी सेल है डी टू तो ये फिक्स हो जाएगी डी टू ऐसे लिखने से क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी मेरे भाई ऐसे लिखने से क्या हो जाएगी ये फिक्स हो जाएगी ठीक है ना अगर पूरी की पूरी ये वाली रो फिक्स करनी है ये वाली रो फिक्स करनी है तो रो फिक्स करनी है तो डी तो कॉलम यूँगा ही लिख लिख दो और रो फिक्स करनी है तो रो कौन सी है चार तो ये रो फिक्स करती है मैंने रो फिक्स हो जाएगी यानी कि पहली गुना इसके साथ होगी फिर इसकी गुना इसके साथ होगी फिर इसकी गुना इसके साथ होगी फिर इसकी गुना इसके साथ होगी ठीक है ना ऐसे ही कॉलम फिक्स कर सकते हैं हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं कॉलम फिक्स कर सकते हैं ये पूरा कॉलम फिक्स कर दिया तो इसकी गुना इसके साथ फिर इसकी गुना इसके साथ इसके इसके साथ इसके इसके साथ कॉलम फिक्स हो जाएगा हिलेगा नहीं आगे नहीं जाएगी ठीक है ना अदरवाइज रेफरेंसिंग रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होगा चेंज होता चला जाएगा चेंज होता चला जाएगा मेरे भाई क्लियर है ना पाचवी को ओके रिपोर्ट चलिए भाई आगे बढ़ते हैं एम एस पावर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं फंक्शंस के बाद यहाँ पर क्या आ जाती है बात एम एस पावर पॉइंट पर बात आ जाती है अब फंक्शन कौन सा फंक्शन क्या काम करता है ये कल वाली वीडियो में आप मैराथन क्लास के अंदर जब चीज़ें देखोगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर हो जाएंगी एम एस एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट नेटवर्क यहाँ तक के टॉपिक जो है आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो देखना ना भूलें मेरी पर्सनल सजेशन है आपसे कि उस क्लास को देखना मत भूलें तीन बजे शुरू होगी ठीक है ना इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एस्टेट वालों को वो चीज़े तो चीज़ें तो ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि आप मास्टर लेवल हो ठीक है ना आप मास्टर डिग्री पर हो तो वो चीज़ें आपको डेफिनेटली आनी चाहिए भाई पावर पॉइंट के अंदर क्या तैयार होता है पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार होती है मेरे भाई क्या तैयार होती है पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन जो है आपको पावर पॉइंट के अंदर तैयार होती है भाई ठीक है ना प्रेजेंटेशन तैयार होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंटेशन में क्या बनती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स बनती हैं भाई क्या बनती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स जो है इसके अंदर बनती हैं एक एम एस की शॉर्टकट की जो है वो थोड़ी सी करवा देता है ना रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की रो सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की जो है वो क्या होती है रो सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से शिफ्ट प्लस स्पेस बार से रो सेलेक्ट करेंगे कॉलम सेलेक्ट करेंगे कॉलम सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार से कंट्रोल प्लस स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सीट सेलेक्ट करेंगे सीट सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस सिफ प्लस स्पेस बार से कंट्रोल प्लस सिफ प्लस स्पेस बार से पूरी सीट सेलेक्ट करेंगे भाई पूरी सीट जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस एफ वन जो होती है वो रिबन को हाइड करने के लिए होती है लिए होती है रिबन को हाइड करने के लिए होती है रिबन को हाइड करो या तो या तो अनहाइड करो या तो क्या करो अनहाइड करो ठीक है ना रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए क्या होती है कंट्रोल प्लस एफ वन होती है भाई ठीक है ना और एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो होती है इसकी वो क्या होती है एक्सटेंशन जो होती है डॉट एक्स एल एस पहले होती थी अब होती है डॉट एक्स एल एस एक्स ठीक है ना अब ये होती है जो ओपन वाले की होती है ओपन वाले की होती है डॉट ओ डी एस ओपन वाले की क्या होती है डोट ओ डी एस होती है मेरे भाई डॉट ओ डी एस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होती है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होती है ओ डी एस ओपन वाले की होती है क्लियर चलिए भाई अब आ जाओ पावर पॉइंट पे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होती है प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन क्या होती है कंट्रोल प्लस एन स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एम एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड अलग लेनी है तो कंट्रोल प्लस एम दबाना होगा प्रेजेंटेशन ही अलग लेनी है तो कंट्रोल प्लस एन दबाना होगा क्या दबाना होगा कंट्रोल प्लस एन दबाना होगा भाई नमस्ते भाई सभी को नमस्ते जय हिंद सभी को हेलो हाँ जी चलो कोई नहीं चली जा ठीक है देखो भाई यहाँ तो रिपोर्ट है नमस्ते भाई सभी को जय हिंद सभी को अब आ जाओ आगे तो ये प्रेजेंटेशन होती है प्रेजेंटेशन के अंदर जो पहली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन के अंदर जो पहली स्लाइड है उसको क्या कहा जाता है पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है टाइटल स्लाइड कहा जाता है मेरे भाई पहली स्लाइड जो होती है वो क्या होती है आपकी टाइटल स्लाइड होती है कैसी स्लाइड होती है टाइटल स्लाइड होती है जो पहली स्लाइड होती है ठीक है ना अब क्या होता है देखो फाइल है होम है इंसर्ट है डिज़ाइन है इसमें दो चीज़ें अलग आ गई दो चीज़ें कौन सी कौन सी अलग आ गई एक तो ट्रांजिशन अलग आ गया एक एनिमेशन स्लाइड शो रिकॉर्ड ये चीजें अलग आ गई ट्रांजिशन एनिमेशन स्लाइड शो और रिकॉर्ड जो है ये चीज़ें चार चीज़ें जो है इसके अंदर अलग आ गई है भाई ठीक है ना ट्रांजिशन क्या होता है ट्रांजिशन होता है स्लाइड पर लगता है स्लाइड पर लगता है ट्रांजिशन ठीक है ना स्लाइड की मूवमेंट जो होती है वो ट्रांजिशन कहलाती है स्लाइड की मूवमेंट जो होती हो, क्या क्या है वो क्या कहलाती है ट्रांजिशन कहलाती है भाई स्लाइड की मूवमेंट ट्रांजिशन कहलाती है और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट एनिमेशन कहलाती है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्या कहलाती है एनिमेशन कहलाती है भाई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है एनिमेशन कहलाती है स्लाइड शो किससे होता है एफ फाइव से स्लाइड शो होता है करंट स्लाइड से शो करना है तो शिफ्ट प्लस एफ़ फाइव यानी कि जहां पर खड़े हैं वहीं से शो करना है तो शिफ्ट प्लस एफ फाइव होता है रिकॉर्ड यानी कि स्लाइड में टाइमिंग भी लगा सकते हैं स्लाइड में क्या लगा सकते हैं हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं मेरे भाई ठीक है ना क्लियर है ना बात सभी को यहाँ तक बाकी चीज़ें सेम है जैसे हमने एम एस वर्ड के अंदर पढ़ा था एम एस वर्ड से सबसे ज़्यादा एम एस एक्सल से उससे कम एम एस पावर पॉइंट से उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ठीक है ना बाकी आपको क्योंकि टीचर हो तो पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है और बच्चों को पढ़ाना होता है प्रेजेंटेशन से तो हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए भाई ठीक है ना चलिए भाई देखिए अब इसके अंदर जो है ये ये तो होम मेन्यू है ही आपका इसके बाद इसका होम मेन्यू के अंदर यहाँ से स्लाइड का लेआउट है लेआउट चेंज कर सकते हैं लेआउट क्या होता है लेआउट होता है लुक स्लाइड का लुक यानी कि कंटेंट को डालने का लुक कंटेंट में टाइटल टाइटल डालना है दो कंपैरिजन का दो कंटेंट डालने हैं एक साइड एक साइड कंपैरिजन दिखाना है अलग अलग कंटेंट का या ब्लैंक लेनी है इत्यादि इत्यादि यहाँ पर ये स्लाइड का क्या होते हैं लेआउट होते हैं भाई ठीक है ना इंसर्ट के अंदर इसमें टेबल डाल डाल लो नई स्लाइड ले लो पिक्चर डाल लो स्क्रीन डाल लो फोटो एल्बम डाल लो ये कुछ भी इसमें नई लिंक डाल लो नई चीज़ें सारी चीज़ें सारी जो है इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं मेरे भाई ठीक है ना चाहे हेडर फूटर डालना हो इक्वेशन डालनी हो वीडियो डालनी हो ऑडियो डालनी हो स्क्रीन शॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी काफ़ी फीचर अब आज इसके अंदर आ गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी इसके अंदर आ चुका है स्क्रीन रिकॉर्ड भी आप इसके अंदर ही कर सकते हो मेरे भाई पावर पॉइंट के अंदर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो क्लियर चलिए भाई तो डिजाइन व्यू डिजाइन व्यू में थीम है सारी की सारी इसके अंदर डिजाइन है बहुत सारे अलग अलग डिजाइन जो है आप इसके अंदर ले सकते हो डिजाइन व्यू में एक चीज इंपॉर्टेंट है स्लाइड का ओरिएंटेशन स्लाइड का साइज हम चेंज कर सकते हैं डिजाइन व्यू से ये चीज़ बार बार पूछी जाती है कि बैकग्राउंड कहाँ से चेंज कर सकते हैं स्लाइड का साइज़ कहाँ से चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन से चेंज कर सकते हैं ये चीज़ ध्यान रखना पॉइंट आउट करना ठीक है ना यहाँ से हम ओरिएंटेशन इसका चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन औरिएंटेशन यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट जो बाई uh, डिफ़ॉल्ट जो पावर पॉइंट होता है ना बाई डिफ़ॉल्ट वो आपका क्या होता है लैंडस्केप होता है ओरिएंटेशन क्या होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है बाई डिफ़ॉल्ट आपका पावर पॉइंट के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है आपका लैंडस्केप होता है मेरे भाई ठीक है ना चलिए भाई आगे ट्रांजिशन है ट्रांजिशन होता है मतलब आ, स्लाइड पर ट्रांजिशन लगना स्लाइड की मूवमेंट होना ट्रांजिशन है इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं एक दो बार तो आ, मतलब बेवकूफों ने ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन इसमें होता है कौन सा नहीं होता तो इतने याद रखना मेरे बस की बात तो है नहीं आप पे याद होते हो तो आप देख लेना ठीक है ना बहुत सारे हैं मतलब ये छोटे 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 नाम हैं ये सारे ट्रांजिशन हैं ये इतने नाम है बताओ कौन याद करेगा इतने नाम को है ना चलिए भाई ये सॉरी ट्रांजिशन है याद कर लेना अगर आपसे हो सके तो मेरे तो होते नहीं एक दो को पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है मतलब मैं तो कहूँगा बेबुदे हैं जिसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो स्लाइड पर टाइमिंग लगा सकते हैं इवेंट पर टाइमिंग लगा सकते हैं माउस के क्लिक पर इवेंट काम करेगा या कितनी सेकेंड बाद इवेंट यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर इवेंट लगाया हमने वो काम कैसे करेगा भाई ठीक है ना एनिमेशन लगा सकते हैं एनिमेशन किस पे लगेगा हमेशा ऑब्जेक्ट पे लगेगा ये ध्यान रखना है एनिमेशन किस चीज़ पर लगता है ऑब्जेक्ट पर लगता है भाई ठीक है ना स्लाइड शो स्लाइड शो में फ्रॉम द बिगनिंग यानी कि बिल्कुल शुरू से देखनी है स्लाइड हमने या करंट स्लाइड से देखनी है या कस्टम शो करना है जो स्लाइड हम चाहते हैं वही दिखाई देगा टाइमिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं हम टाइमिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड भरना चाहते हैं वीडियो चलाना चाहते हैं सब कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं मेरे भाई ठीक है ना किस चीज़ के अंदर एनिमेशन के अंदर भाई तो ये था आपका आज का काम ठीक है ना उसके बाद एम एस एक्सेस हम डेटा बेस के साथ पढ़ेंगे पहले ये कवर करेंगे इमरजिंग ट्रेंड इमरजिंग ट्रेंड कल नेक्स्ट वीडियो जो होगी इमरजिंग ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फुटप्रिंट्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट ये चार टॉपिक उसके अंदर होंगे पांच टॉपिक जो है उसके अंदर होंगे अगली वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ अच्छा रिवीजन हो रहा होगा बहुत कुछ चीज़ें नई मिल रही होंगी समझ में भी आ रही होंगी नई चीज़ें भी आपको प्राप्त हो रही होंगी जैसा भी आपको फील होता है जैसा भी लगता है यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना ठीक है ना ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ थोड़ा बहुत है ना क्योंकि डेढ़ से दो घंटे की क्लास हो जाती है लगभग तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हिंद सपीको भाई